नमस्कार 3030 एकलव्य में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनीष जैन है और मैं यहाँ पर साबरमती के किनारे आईआईटी गांधीनगर से बोल रहा हूँ। आशा है आपको मेरी आवाज़ ठीक सुनाई दे रही होगी। ये है आईआईटी गांधीनगर, ये है साबरमती, ये है हमारी आईआईटी गांधीनगर और इसमें एक छोटी सी लैब है जिसका नाम है सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, जो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। थोड़ी सी पुरानी चित्र है लेकिन फिर भी चलेगी। और एक और चित्र है, ये हमारी लैब है जहाँ पर हम शिक्षकों के साथ मिलकर कुछ काम करने की, बच्चों के साथ मिलकर कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो लोग पूरे देश भर से जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत समय से दिल में तमन्ना थी कि आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीबडी हु इज जॉइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और 3030 एकलव्य में हम आपके साथ हर रविवार 4 से 5 शाम को 4 से 5 बजे तक जुड़ेंगे। और उसके पीछे सिर्फ 2 ही अगर कहें तो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, हमारे आंखों की चमक वापस आ जाए। सो एंड दिस इज द पिक्चर दैट आई वुड लाइक टू शो। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इस तरह की आंखों की चमक, ग्लीम इन द आईज, कैन वी गेट बैक इन दी आईज ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड आवर टीचर्स टुगेदर। और वो इसलिए भी क्योंकि अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, देश भर में स्कूल थोड़े से खुल गए लेकिन अभी भी टीचर बच्चों से नहीं मिल रहे हैं। तो फिर वो रुचि कैसे आए, मजा कैसे आए, उसके लिए ये एक छोटी सी पहल है सीबीएसई के साथ मिलकर। नाम भी एकलव्य। हमारे एक साथी हैं शंकर मरुवाड़ा, बैंगलोर में रहते हैं और सीबीएसई के जो चेयरमैन, उनका सुझाव था कि नाम भी एकलव्य रखा जाए क्योंकि इस स्थिति में बच्चे टीचर से नहीं मिल पा रहे हैं और क्यों ना हम उनके लिए कोई रुचिकर एक चीज वस्तु अगर हम लेकर आ पाते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। फर्स्ट गोल, ग्लीम इन द आईज, एंड सेकंड, हमारा शिक्षा और शिक्षण और पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाए। कैन वी हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। सो ब्रिंगिंग बैक दैट ग्लीम इन द आईज एंड लुकिंग एट द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अलग देखने का नजारा, देखने का नजरिया आदर हो जाए। नंबर तो आए लेकिन नंबर किस लिए आए उसके ऊपर विचार करें। सो एजुकेशन वी विल हैव टू लुक एट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड दिस इज व्हाट एनईपी आल्सो टॉक्स अबाउट एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन। तो इन दोनों मुद्दों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, किस तरह से हमारी पढ़ाई में, हमारी शिक्षा में रुचि हो और किस तरह से हमें देखने का नजरिया, जैसे कहते हैं दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली, या नजर बदल गई तो नजारे भी बदल जाते हैं। आई होप With this program, we will able to see the whole world with a different light. जब नीरज चोपड़ा के भाले को देखें तो कुछ अलग चीजें दिमाग में चलें, जब बाहर साइकिल को देखें तो कुछ अलग चीज दिमाग में चलें, और जब कोई एक बंदूक की तोप का गोला देखें तो कुछ। इन्हीं चीजों के ऊपर लेकर हम आपके सामने हर संडे अलग अलग टॉपिक्स को लेकर आएंगे, गणित के, विज्ञान के, ताकि आस पास की जिंदगी को जोड़कर उसके अंदर spicing up the curriculum, like you see on the board back in the back, 3030 Eklavya spicing up the curriculum. So thank you so much everybody for joining. और इन सब चीजों को करने के लिए 3-4 चीजें हमें करनी पड़ेंगी, अपने आप नहीं होगी, हाथों से द्वारा करी हुई गतिविधियां, which is what we will do in this episode. ये मैं आप सभी के पास आशा है ये हो, अगर नहीं हो तो ले आइए भागकर एक डंडी और एक आलू। बहुत सुंदर प्रयोग करेंगे, साधारण चीजों से लेकर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और एक्टिविटीज करेंगे, कहानियां सुनाएंगे, कॉन्टेक्स्ट सुनाएंगे और आसपास की जिंदगी को अंदर अपने करिकुलम में लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि करिकुलम थोड़ा नीरस है और बिना क्लासों के और भी ज्यादा नीरस हो जाता है। आप सभी ने शायद खिचड़ी खाई हो, अगर नहीं खाई हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2 मिनट में अपनी बात कन्वे करने के लिए। कल्पना करिए आपको 3 दिन तक लगातार सुबह दोपहर शाम खिचड़ी खानी है, उबली हुई दाल, उबले हुए चावल, ब्रेकफास्ट लंच डिनर खिचड़ी, नथिंग एल्स। दूसरे दिन सेम थिंग, तीसरे दिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर खिचड़ी। सोचिए चौथे दिन अगर आपके सामने खिचड़ी आ भी गई तो क्या होगा। सब कुछ जो अंदर है बाहर निकल जाएगा। एंड समवेयर इमेजिन नाउ इन दिस खिचड़ी ऑफ इफ वी कैन ऐड सम इंटरेस्टिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। अगर हम इसको शिक्षा से जोड़ें तो इसमें अगर हाथों के द्वारा की हुई गतिविधियां, ऐसे सवाल जोड़ दें कि दिमाग की बत्ती जला दे या रातों की नींद और दिन का चैन। अगर कोई हमसे पूछे कि भाई कैसे मान लीजिए धरती घूमती है, आपको कल्पना करिए, चलिए अगले एपिसोड में आप लोग जवाब दीजिएगा। कल्पना करिए सभी लोग एक कमरे में बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, सभी लोग एक जना खिड़की में कमरे में बंद हैं, खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं है, आपको पता नहीं सूरज उगता है कि नहीं उगता है। आपके पास एक धागा पड़ा है और एक मान लीजिए गेंद पड़ी है। अब आप कैसे बताएंगे कि आपकी धरती घूम रही है, कैसे मान लें कि धरती घूमती है। अगर सच में धरती घूमती तो बहुत सारी चीजें होती, इसको आगे से देखेंगे। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, और ये सब करने से मजा आए। एंड मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर हमारी लैब में सीसीएल में 14 लोग जो काम करते हैं उन सबको मजा, और इतने सारे जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, सब लोग को इस उम्र में भी मजा आ सकता है, तो आपको भी मजा आएगा। और वो मजा आएगा तो देखिए क्या बढ़िया चीज होती है। फिर नंबर तो आएंगे, साथ में कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। नंबर तो आएंगे लेकिन स्कूल जाने का भी मन करेगा। नंबर तो आएंगे लेकिन साथ में पढ़ने और पढ़ाने में भी मजा आएगा। And that is what the basic goal of this series that we are going to come with you every Sunday 4 to 5. So thank you so much for joining. Let me show you a few pictures and logistics. ये है गोल। गोल हमारा है आंखों की चमक। इस तरह की हमारी लैब है। 2 मिनट में लेकर मैं आपको 2 मिनट में कुछ फीडबैक दिखाना चाह रहा था। टर्निंग पॉइंट, किसी ने शुरू होने के पहले बोला कि दिस सीरीज साउंड्स लाइक अ टर्निंग पॉइंट। बहुत समय पहले दूरदर्शन पे आती थी। आई एम होपिंग दैट समवेयर दूरदर्शन विल आल्सो ट्राई टू ब्रिंग दैट बैक। मे बी वी कैन डू समथिंग देयर, समथिंग लाइक टर्निंग पॉइंट, सो दैट पीपल कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। दिस इज अ फीडबैक फ्रॉम अ टीचर हु सेज इंप्रूवमेंट इन माई टीचिंग स्किल्स हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस दैट हैज हैपेंड। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी, मैंने सोचा आपको सुबह बताऊंगा। किसी ने मुझे ही मैसेज भेज दिया, गलती से मेरा मैसेज या कहिए सबके पास चला गया था, तो सब मुझे पूछ रहे थे कि रजिस्टर कैसे करना है। थैंक यू सो मच। मैंने जवाब दिया था कि ऐसे आपको रजिस्टर करना है, ccl.iitgn.ac.in/eklavya पे जाकर रजिस्टर करना है। और उन्होंने बोला थई गयो, तो जैसे गुजराती में बोलते हैं थई गयो, मतलब आई एम अज्यूमिंग बोल रहे हैं कि हो गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। 2 मिनट में मैं लॉजिस्टिक्स दिखाना चाहता हूँ। पूरे देश भर से जुड़े हुए हैं। ये थोड़ा सा पुराना डेटा है। आप देख सकते हैं देश के सब राज्यों से लोग जुड़े हैं, टीचर्स, बच्चे। और मैं चाहूंगा ये मौका लेकर कि पूरे देश को जोड़ने की कोशिश करें। सभी देश के सभी जगहों से लगभग 70-80 हज़ार टीचर्स हैं। और लेटेस्ट डेटा हमारा कह रहा है कि 90 हज़ार टीचर्स और बच्चे जुड़े हैं, रजिस्टर करा है। सो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बोलिए जुड़े। कोर्स बिल्कुल फ्री है आपका। रजिस्टर करना, सब्सक्राइब जरूर करिए। इतने 100 लोग बैठे हैं, आप जरूर सब्सक्राइब करिए। वो घंटी का बटन जहां से भी दबता है, आप चैनल को जाकर IIT गांधीनगर CCL के चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास मैसेजेस पहुंचे। थैंक यू सो मच। लॉजिस्टिक्स 2 मिनट में मैं चर्चा करूंगा। जुड़ना और देखना और काम करना और क्वेश्चंस के आंसर देना बिल्कुल फ्री है। सर्टिफिकेट्स के लिए 2 तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं। सर्टिफिकेट की मामूली सी कॉस्ट है 100 रुपीज। And there are participation certificates for every episode, जिसकी 1 घंटे की ट्रेनिंग के बराबर। तो अगर आपने 10-12 जितने भी हम एपिसोड करेंगे वो, तो उतने घंटे का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास पहुंच जाएगा। और completion certificate which of course is for every child, every teacher। जब आप ये पूरा कोर्स खत्म होने के बाद आपको 30 घंटे का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 30 घंटे के कोर्स का सर्टिफिकेट। आपको सवाल देने के लिए यहाँ पर जाना है itempool.com/ccl/live, जो भी यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। और कुछ वेबसाइट ऑफ कोर्स आपको पता है। ईमेल अगर भेजनी हो तो एकलव्य, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, eklavya@iitgn.ac.in, ये हमारी ईमेल है। आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। और आज हम करेंगे क्या, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। इन चीजों के ऊपर चर्चा होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो भी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सब हमारे करिकुलम में है। इन चीजों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इनर्शिया फर्स्ट लॉ। और इस तरह की चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा हम इन चार चीजों के ऊपर करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, पाथ, फ्रेम एंड रेफरेंस। और चर्चा करने के लिए हम साधारण सी चर्चा नहीं करेंगे। हम उसमें बहुत ही बढ़िया एक्टिविटीज जो पिछले 3-4 हफ्तों से हम लोगों ने लैब में साथियों ने मिलकर करी है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसकी मैं छोटी सी आपको झलक दिखाना चाहता था कि किस तरह की ये चर्चा होगी। ये मैं आपको वीडियो चलाकर दिखाता हूँ। किसी की ब्रेड खाते खाते मुंह से गिर गई, कोई बॉल फेंकते फेंकते इधर उधर चला गया। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस होल एपिसोड। लेट मी ब्रिंग बैक टू द चेंज द कैमरा। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस एपिसोड। एंड और इन सब चीजों को करने के लिए हम जो आसपास की जिंदगी में, जो आसपास हमारी चीजें हुई हैं, उनका सहारा लेकर करेंगे। जैसे नीरज चोपड़ा का भाला। आज के एपिसोड भी नीरज चोपड़ा के ऊपर ही आधारित है, तो क्यों ना सबसे पहले हम उसी वीडियो को देखकर आज की शुरुआत करें। उसी वीडियो को देखकर आज की शुरुआत करेंगे। तो ये था नीरज चोपड़ा का बहाना, पूरे देश भर को कैप्टिवेट कर लिया, सबका अटेंशन ग्रैब कर दिया। नीरज चोपड़ा ने अपना भाला 36 डिग्री पर फेंका। क्यों 36 पर, ये अपन आगे देखेंगे, बट दिस इज द आइडिया। नाउ इमेजिन इफ these are the kind of sports that we can bring inside our classes, these are the kind of activities that we can bring inside our classes। हमारी क्लासें नीरज से सरस हो जाएंगी और फिर बॉलीवुड और क्रिकेट के साथ लोग पढ़ाई को देखने के लिए भी नहीं कतराएंगे। एंड आई थिंक राइट नाउ आईपीएल इज गोइंग ऑन, समबडी टोल्ड मी दैट दिस इज अ टाइम दैट इज क्लैशिंग विद आईपीएल। आई होप आप लोगों के सहयोग से, इन सब गतिविधियों के सहयोग से पढ़ाई भी इतनी रुचिकर, इंटरेस्टिंग और जीवनदायी हो जाए कि लोगों का मन करे कि आज बॉलीवुड को छोड़कर कुछ बढ़िया चीज देखते हैं, विज्ञान को देखते हैं और गणित को देखते हैं और आसपास की विज्ञानों को, चीजों को, जिंदगी के विज्ञान को समेट कर अपनी जिंदगी में लाकर उसको करिकुलम में जोड़कर बढ़िया चीज कुछ करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप दैट एंड आई बिलीव, आई एब्सोल्युटली बिलीव दैट दैट इज समथिंग दैट कैन हैपन, दैट हैज हैपेंड इन आवर लैब। आप कल्पना करिए 14 लोग जो दिन रात यही काम करते हैं, सच में मजा आता है। 4 साल पहले 2017 में जब हमने ये लैब चालू करी थी, कुछ नहीं था, खाली था। एंड द होल आइडिया, आई बिलीव, वी ऑल ऑफ अस बिलीव दैट वी कैन डेफिनेटली मेक एजुकेशन, स्पेशली साइंस एंड मैथ, इंगेजिंग, इंस्पायरिंग। ऐसी उसमें चीजें डालें कि खाने का मन करे। And that is what we are going to show and showcase in this series 3030 Eklavya. So thank you so much everybody for joining. आगे बढ़ते हैं। करना क्या चाहते हैं? आज हम आपके सामने 4 चीजों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। नीरज चोपड़ा के भाले के ऊपर, नीरज चोपड़ा के भाले के ऊपर कि उसने 36 पर क्यों फेंका और किन 4 चीजों की, वो मैंने आपके ऊपर चर्चा करी थी। प्रोजेक्टाइल के बारे में चर्चा करेंगे, उसके पाथ के बारे में चर्चा करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करेंगे और फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, जिनको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। थोड़े से क्लिश सब लग रहे होंगे, पर सबसे पहले इसलिए उदाहरण लेकर चलते हैं। नीरज ने अपना भाला 36 पर क्यों फेंका, इसको समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो किताब हमारी कहती है वो 45 पर फेंकने के लिए कहती है, तो गड़बड़ लगती है। किताब 45, नीरज 36, 36, 45, व्हाट इज इट दैट वी शुड डू? बट for understanding why Neeraj threw at 36, we will have to figure out why the book says we should throw at 45. And to understand that, we will have to go 400 years back. And that is where I want to take you to a beautiful story, beautiful experiment done by this person called Galileo. और मैं आपको 450 साल पहले ले जाकर वो एक छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट दिखाने की कोशिश करूंगा। कुछ इस तरह का था, लेकिन इसको हमने अपनी लैब में बनाया और मैं इसकी वीडियो दिखाता हूं और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हुआ क्या। तो ये 2 बढ़िया चीजें हमने दोनों लेवल पर रख दिए और फ्रिक्शनलेस, मतलब बहुत अच्छा प्लेन बनाने की कोशिश करी जिसमें घर्षण कम हो, और 2 अलग अलग एंगल्स पर ये चीजें बनाकर कर। और आप देख पाएंगे कि दोनों ऊंचाई अगर बराबर है तो बॉल उतनी ऊंची जाती है। इसको समझने के लिए अपन यहां पर देख सकते हैं। तो ये गैलीलियो का बड़ा ही सुंदर एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने ऐसे ऐसे 3 एंगल पर ये रैम्स बनाई और चिकनी रैम्स थी, और उन्होंने ये पाया कि जब भी हम इतनी ऊंचाई से बॉल को फेंकते हैं तो बॉल वापस उतनी ऊंचाई पर आने की कोशिश करती है। जहां से फेंका वहीं पर थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन जितना घिसेंगे, जितना उसको फ्रिक्शनलेस या घर्षण चिकना बनाएंगे, उतना और ज्यादा आगे जाएगी। अब मान लीजिए ये एंगल हमने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया तो बॉल फिर उतनी ऊंचाई तक जाने की कोशिश करेगी, लेकिन अब ज्यादा दूर तक चलती है। और यहां पर, और मान लीजिए कि ये एंगल घटा घटा कर हमने बिल्कुल जीरो कर दिया या बिल्कुल फ्लैट कर दिया, तो यहां पर गैलीलियो की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इमेजिनेशन काम में आई। एंड दैट इज वेयर आई थिंक वी विल हैव टू गिव, आई मीन वी विल हैव टू गिव द विंग्स टू द इमेजिनेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड ऑफ आवर टीचर्स। हमारी कल्पना शक्ति को अगर पंख लग जाए, वो वाली बात विज्ञान में चमक कर आती है। विज्ञान सत्य तो बताता है, सत्य को बताने की कोशिश करता है, और आज जो हमें सत्य लग रहा है हो सकता है बाद में कम हो जाए, लेकिन the most beautiful theories or things that come out are by just leaps of imagination। गैलीलियो ने ये कहा कि जब भी हम एंगल उसका कम करते चले जाते हैं, जैसा कि आपने चित्र में देखा, बॉल वापस उतनी ऊंचाई पर जाने की कोशिश करती है। एंगल कम करेंगे तो दूरी ज्यादा जाना पड़ेगा, तभी उतनी ऊंचाई पर आएगी। अब कल्पना करिए कि बॉल बिल्कुल फ्लैट हो गई, मतलब ये एंगल बिल्कुल फ्लैट हो गया तो कभी भी उतनी ऊंचाई पर नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है कि बॉल हमेशा चलती रहेगी। एंड दिस इज द मोस्ट fundamental, I would say, theory that somebody propounded 450 years ago, where he said that ये तो हमको generally पता ही था। और उसको देखने के लिए मैं एक और आपको चित्र दिखा देता हूँ। ये तो हमको पता ही था कि किसी भी वस्तु को अगर रुकी हुई है तो धक्का मारना पड़ता है। इनफैक्ट इसको करने के पहले आइटा पूल का एक सवाल है, वो आपसे पूछ लेते हैं। बड़ा सुंदर सवाल है कि किसी भी चीज को हिलाने के लिए, उसके पहले मैं देख लेता हूं कि आइटम पूल में आप लोगों ने जवाब क्या दिए। लेट्स लुक एट द आंसर्स। व्हाट इज द फोर्स, व्हिच फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ योर रेस्ट ऑन संडे इनटू वाचिंग दिस प्रोग्राम? इज इट प्रिंसिपल, इज इट सीबीएसई, इज इट लव फॉर साइंस और लव फॉर नीरज चोपड़ा? उत्तर देख लेते हैं भाई क्या है, अच्छा रहेगा। ठीक है, और भी लोग आ रहे हैं तो चलिए अगली तरफ से बाद में थोड़ा कुछ लोग और भी इसमें सवाल पे उत्तर आने की देने की कोशिश करेंगे। तो अगले सवाल पर आते हैं जो कि विच वॉज द क्वेश्चन दैट वी रियली वांटेड टू आस्क यू, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्स। दूसरा सवाल डाल सकते हैं, किसी भी वस्तु को फोर्स विच इज नीडेड फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टार्ट द मोशन फ्रॉम ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट, to stop the motion from object from rest, keep the object in motion at constant speed in a straight line, या keep the object rotating in a circle at constant speed। बड़ा सुंदर सवाल है। सवाल सिर्फ इतना सही है कि किसी भी वस्तु को हिलाने के लिए, रुकी हुई वस्तु को हिलाने के लिए बल की जरूरत है, या चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए बल की जरूरत है, या चलती हुई वस्तु चलती रहे उसके लिए बल की जरूरत है, या फिर चौथा उसको गोल घुमाने के लिए बल की जरूरत है, फोर्स की जरूरत है। एंड दीज आर द फोर फंडामेंटल थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। चलिए उत्तर देख सकते हैं। आपको उत्तर देने के लिए itempool.com/ccl/live यहाँ पर ऊपर ये मेरी उंगली दिखाई दे रही है, हाँ यहाँ पर ये जो भी है यहाँ पर जाकर उत्तर देना है। itempool.com/ccl/live, please go and give the answers at that particular location and we will look at now let's look at the answers। शायद आज शुरू में हमने काफी देर, चलिए उत्तर देख लेते हैं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। पहला उत्तर जो सबसे ज्यादा लोगों ने दिया, स्टार्ट द मोशन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। बी 883 लोगों ने जो दिया वो ये था कि रोकने के लिए, और तीसरे और जो सही इसमें था कि कुछ लोगों ने सी भी उत्तर दिया है 549, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। किसी भी वस्तु को, ये तो हमको मालूम ही है, कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो चलती नहीं है। इनफैक्ट इंसान की जिंदगी में भी यही देखा गया है, अगर हम रुके हुए हैं, आलसी हैं, सोए हुए हैं तो एक धक्का मारना पड़ता है, चाहे वो अलार्म का धक्का हो, चाहे मम्मी की आवाज़ हो, चाहे जो भी हो, चाहे वाइफ का धक्का हो, धक्का मारना पड़ता है तब उठते हैं। और चल रहे हो तो रुकने के लिए तब फिर धक्का यानी बल लगाना पड़ता है, या पुलिस का धक्का हो, बहुत तेज स्पीड से जा रहे हैं तो पुलिस का धक्का लगेगा, रुक जाना पड़ेगा। एंड एनी ऑब्जेक्ट इफ वी अप्लाई अ फोर्स इट विल स्टॉप। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट विच इज वॉट गैलीलियो प्रूव्ड बाय दैट एक्सपेरिमेंट, दैट if the angle becomes zero the ball will keep on moving infinitely because it will try to reach that height and it can never reach that height and then that's why it will keep on moving। So ye sabse leap of imagination wali cheez thi ki koi bhi vastu agar chal rahi hai to chalti hi rahegi, seedhi rekha mein chalti hi rahegi, rukti hai to iska matlab bal lag raha hai। That is the कभी खत्म नहीं होगा, बल लगता रहेगा तब ही चलेगी। इनफैक्ट विच मींस दैट अगर कोई हमने धक्का दिया, कोई चीज अगर चलते हुए रुक जाती है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई बल लग रहा होगा, चाहे फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे हवा का घर्षण हो। मोटरसाइकिल चलती है तो हवा का घर्षण है, कार चलती है तो फ्रिक्शन विद द टायर है, कुछ भी हो रुकती इसलिए है क्योंकि बल लगता है। अगर बल ना लगे, एंड इनफैक्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज इसलिए लीप ऑफ इमेजिनेशन है क्योंकि ये प्रक्रिया आप दुनिया में कहीं पाएंगे ही नहीं। बताइए कौन सी जगह है जहां आप चले और फ्रिक्शन ना हो या हवा ना हो, कहीं नहीं मिलेगा। स्पेस, स्पेस में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। नोवेयर एल्स, नोवेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड अ प्लेस वेयर देयर डजंट एग्जिस्ट अ फोर्स। एंड देन टू क्लेम कि यार कहीं पर अगर फोर्स ना लगे तो चलते रह जाओगे रिक्वायर्स अ लीप ऑफ इमेजिनेशन, विच इज व्हाट द गोल ऑफ 3030 एकलव्य इज, टू गिव यू दैट लीप ऑफ इमेजिनेशन। एंड फिलोसॉफिकली आल्सो बिलीव, आप कल्पना करिए आपके अंदर अगर इस तरह का मोटिवेशन आ जाए कि आप चलते रहें, यार देखा जाएगा, जो होगा देखेंगे, हम तो अपना काम करते रहेंगे, तो बिल्कुल चलते ही रहेंगे कितने। एंड समवेयर ऑफ कोर्स एंड दैट इज व्हाट इज बेसिकली यू नो वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ टेल। 3-4 तरीके की चीजें हैं। यहाँ पर अगर हम देखें फिर से, यहाँ पर जाकर रुकी हुई वस्तु को धक्का मारने के लिए और चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए, जैसे ये फुटबॉल में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था, अगर कोई वस्तु चल रही है तो सीधी दिशा में चलती रहेगी, सीधी दिशा में चलती रहेगी अनलेस एक्टेड ऑन अपॉन बाय फोर्स, जब तक उस पर कोई और बाहर से बल ना लगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और अगर कोई बल लगेगा तो आपको फील भी होगा, Which also means कि अगर हम गाड़ी में चल रहे हैं, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि गाड़ी में चल रहे हैं और बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं, व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं और गाड़ी की स्पीड भी बिल्कुल बराबर है और बिल्कुल तेज ज्यादा नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड से चली जा रही है एक ही दिशा में, तो पता भी नहीं चलेगा, नींद आ जाएगी। हवाई जहाज में तो और भी दिखाई देता है, अगर हिचकोले ना खा रहा हो, हर जगह ऐसे ही दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोगों का फिर ये सवाल हो सकता है, यार धरती घूम रही है क्यों नहीं पता चलता है? और अगर समय मिला तो आज इसका जवाब देंगे, नहीं मिला तो अगले एपिसोड में देंगे कि धरती पे हम खड़े हैं, धरती घूम रही है तो हमें पता चलना चाहिए, घूमती हुई मतलब दिशा बदल रही है तो फोर्स लग रहा होगा, पता चलना चाहिए, क्यों नहीं पता चलता है? इसको समझने और देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप देख पाए तो बिल्कुल सेंड अस एन ईमेल, सेंड अस योर आंसर, सेंड अस योर आंसर इन योर कमेंट। बट नाउ दैट वी नो दैट for anything, if it moves and there is no force, it will keep on moving in a straight line. Let's come back and look at why. Let me just open this empty slide. Let's come and look at why we need to throw something at 45 degrees for it to reach the maximum distance, which is what the book says. किताब कहती है कि किसी भी वस्तु को हम 45 पर फेंके एंगल पर तो सबसे ज्यादा दूर जाती है, चाहे वो नीरज का भाला हो, चाहे क्रिकेट की गेंद हो, या खुद की अगर आप हाई जंप मारें तो क्यों। और उसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं, चलिए यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। 45 मतलब लगभग ऐसे। तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज गैलीलियो ने यहां पर बताई कि किसी भी स्पीड को अगर इस दिशा में है तो उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, और इसको मैं लाल रंग से दिखा देता हूं। ये नीली वाली जो स्पीड है इसको एक हॉरिजॉन्टल स्पीड में बांट सकते हैं और एक वर्टिकल स्पीड में बांट सकते हैं। बहुत सुंदर। अब ये वाली स्पीड जो हॉरिजॉन्टल वाली है ये दूर लेकर जाती है, दूरी कितना दूर जाएंगे, जितनी ज्यादा होगी ये वाली उतनी ज्यादा दूर जाएंगे। और ये वर्टिकल वाली है, ये कितनी देर हवा में रहेंगे ये बताती है। तो अब हम अगर बहुत दूर तक अपना भाला फेंकना चाहें तो हम चाहेंगे कि बहुत देर हवा में रहे, तो ऐसे फेंक देंगे बिल्कुल 90 पर। और अगर 90 पर फेंक देंगे तो आप देखिएगा क्या होगा। मैं छोटी सी क्लिप है बड़ी मजेदार, ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आप देखिएगा। फिर से चला देते हैं। अगर आप 90 पर गोला फेंकेंगे जैसे हमारे पंकज भाई ने फेंका तो कुछ ऐसा होगा आपके साथ। आप ये नहीं चाहते, 90 पर फेंकेंगे, बहुत ज्यादा देर हवा में रहेगी, भाला ज्यादा देर हवा में लगेगा लेकिन आपके सर पर ही आएगा। और अगर 0 पर फेंकेंगे तो बहुत दूर जाएगा लेकिन हवा में रहेगा ही नहीं, तो बिल्कुल भी दूर नहीं जाएगा। यानी ये दोनों चीजें जो चल रही हैं इस दिशा में और इस दिशा में बिल्कुल उलट है, एक ज्यादा टाइम बढ़ाती है, एक ज्यादा दूर ले जाती है, इसलिए उत्तर कहीं ना कहीं बीच में होगा और इसलिए आंसर। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स हियर, बट दैट्स द आइडिया। मेरी चित्र मैं ढूंढता हूं कहां चला गया। ये रहा मेरा चित्र, मिल गया। तो ये हमारी चीज दूर ले जाएगी और ये हमारी चीज कितनी देर तक हवा में रहेगी। और अगर हमने 45 पर फेंका तो बिल्कुल दूर भी ले जाएगी और हवा में भी देर रहेगी। तो इसलिए किताब कहती है कि 45 पर फेंकें, लेकिन नीरज ने अपना भाला 45 पर नहीं 36 पर फेंका, और वो समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। और वो समझने के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ चित्र। नीरज ने अपना भाला 36 डिग्री पर फेंका, ये देखिए बिल्कुल हमने चित्र को यहाँ पर लगाया हुआ है और चित्र में ये दिखा भी दिया है कि ये भाला 36 डिग्री पर उसने फेंका। बाहर से चित्र लिया हुआ है, 36 डिग्री पर फेंका। और क्यों फेंका इसको समझने के लिए चार मुख्य कारण हैं और वो कारण देखने की कोशिश कर लेते हैं। पहला कारण, नीरज ने अपना भाला 2 मीटर की ऊंचाई से फेंका और इससे फर्क पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये समझने के लिए। जबकि हम जब 45 डिग्री की बात करते हैं तो वो ग्राउंड से फेंकने की बात होती है। नीरज ने अपना भाला 2 मीटर पर फेंका और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल को अगर हाइट से बढ़ाकर फेंके तो अगर 2 मीटर की हाइट पर बढ़ाकर फेंके, 21 की स्पीड से फेंके तो लगभग 43 डिग्रीज पर वो सबसे ज्यादा दूर जाता है। तो 2 डिग्री का तो मान सकते हैं यहां पर फर्क पड़ा हो, लेकिन इससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा। दूसरा, नीरज ने भागते हुए भाले को फेंका। नीरज यहां पर कुछ स्पीड से भाग रहे थे, तो असल में तो नीरज ने अपना भाला, ये जो आंसर आया है, नीरज ने अपना भाला कुछ स्पीड से फेंका। असल में नीरज की जो एंगल था वो कुछ ज्यादा था 36 से, लेकिन उसकी ये वाली स्पीड उसमें जुड़ गई तो इसलिए आंसर ये फाइनली 36 आ गया। लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और ये हम देख लेते हैं कैसे। ये है लॉन्च एंगल, ये तो हमारा हाइट का था, स्पीड से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं फर्क पड़ा तो और ये ऑफ कोर्स एक और चीज है, विंड स्पीड। ये आपको दिखाई दे रहा होगा जब हम भाला फेंक रहे हैं तो इधर से भी हवा चल सकती है और उल्टी भी हवा चल सकती है। अगर हमारी हवा पीछे से चल रही हो तो भाले को और ज्यादा धक्का देगी आगे ले जाने के लिए, तब हमें लॉन्च एंगल बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा देर हवा में रहे, और उल्टी कर रही हो तो लॉन्च एंगल कम करना पड़ेगा। तो दिस इज अनदर फैक्टर दैट इट कम्स इनटू अकाउंट, एंड इन फैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इन ऑल ऑफ दीज सिनेरियोज व्हाट वाज हैपनिंग, वी वर अज्यूमिंग दैट हम लोग भाले को किसी भी एंगल पर उतनी ही स्पीड से फेंक सकते हैं और वो तो सिर्फ मशीन कर सकती है। इंसान नामक की मशीन ऐसा नहीं कर पाती है। इंसान अलग अलग एंगल पर अलग अलग करके भी देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे साथी पंकज ने अलग अलग एंगल पर गोले फेंके और बढ़िया वीडियो बनाई, वो कैसे उन्होंने किस किस एंगल पर क्या फेंका वो देखेंगे, बट आप खुद ही देख सकते हैं। भाई ये देखिए, आपने जब 0 पे फेंका, इनफैक्ट पंकज की स्पीड देख ही लेते हैं, अभी थोड़ी देर में देखते हैं, आप खुद देखेंगे कि आप जब बिल्कुल 90 में फेंकते हैं तो ज्यादा दम नहीं लगा पाते अलग अलग एंगल पर। और इसीलिए अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग एंगल पर लोग फेंक कर बिल्कुल मैक्सिमम रेंज को फेंक कर अपने गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतते हैं। शॉर्टपुट में जैसे आप देखेंगे, यानी गोला फेंक में 26 डिग्री से 40 तक, जैवलिन में अलग है, डिस्कस में अलग है, हैमर थ्रो में अलग है, लॉन्ग जंप में अलग है, सबसे कम। जब आप खुद कूदते हैं तब भी आप प्रोजेक्टाइल ही हैं, और स्टैंडिंग लॉन्ग जंप बिना भागे हुए, एंड सॉकर थ्रोइंग। तो आपने देखा अलग अलग लोगों का, लेकिन सबसे ज्यादा अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग एंगल पर फेंकना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखें किसी चीज का असर पड़ता है तो किस एंगल पर हम कितनी स्पीड से फेंक पाते हैं, सबसे ज्यादा उसका असर है। नीरज ने अपना भाला 36 पर फेंका, वो तो ठीक है, लेकिन गोल्ड मेडल इसलिए जीता क्योंकि बहुत तेजी से फेंक पाया। मैं और आप नहीं फेंक पाएंगे शायद उस स्पीड से, आपका मुझे पता नहीं, मैं नहीं फेंक पाऊंगा। चाहे कितने भी एंगल पर फेंकूं उतना दम नहीं लगा पाऊंगा, उतना फोर्स नहीं लगा पाऊंगा, उतनी तेज स्पीड से नहीं फेंक पाऊंगा। नीरज ने इसलिए फेंका क्योंकि उस एंगल पर वो उस स्पीड पे सबसे ज्यादा फेंक पाया। इसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं, ये ग्राफ बताता है कि किस एंगल पर फेंकने पर सबसे ज्यादा दूर की रेंज जाती है जैवलिन के लिए। और ये हमने देखा कि लगभग 38 डिग्री पर फेंकने पर, ये 40 पर, ये जिन लोगों के साथ ये टेस्ट करा था उनके साथ ये पाया गया कि अलग अलग एंगल, जैसे जैसे आप देखें एंगल बढ़ाते रहते हैं वैसे बढ़ती है। लेकिन 40 की 38 यहाँ पर एंगल बढ़ रहा है, सॉरी ये रेंज है हमारी, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ते हैं वैसे वैसे रेंज बढ़ती है, लेकिन 38 के बाद जाने के बाद फिर से वो गिरनी चालू हो जाती है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द लॉन्च एंगल, शॉर्टपुट और जैवलिन के लिए जैसे जैसे एंगल आप बढ़ाते गए यहाँ पर वैसे वैसे स्पीड घटती गई। तो बीच का कोई पॉइंट होगा जहां पर आपको ये सबसे ज्यादा मिलेगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला, ऑफ कोर्स यू नो, यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फिगर आउट। यहाँ पर ये दोनों भी है, यहाँ पर h फॉर हाइट, हाइट मतलब कितनी ऊंचाई से गोला फेंका, और ये सारी v वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फेंका, और इसको देखकर आप अपनी रेंज निकाल सकते हैं। तो ये निकाला गया कि 2 मीटर पर अगर 35 डिग्री पर फेंकते हैं तो रेंज 47 आई, और 2 मीटर हाइट से अगर 20 की स्पीड से फेंका और 45 डिग्री पर फेंका, ऑफकोर्स जितने एंगल पर फेंकते तो स्पीड कम हो जाती है, 45 पर फेंका तो 43 पर आई, यानी 4 मीटर से आप अपना गोल्ड मेडल हार गए। इतना फर्क पड़ता है 35 और 45 में। इसलिए नीरज ने अपना भाला 35 या 36 या 37, और हो सकता है आप फेंके तो किसी और एंगल पर, निश्चित नहीं है, साइंस तो है लेकिन स्किल उससे भी ज्यादा है। जब फेंके तो क्या, अगर आपके कंप्यूटर ने या साइंस ने या हमने बता दिया 36 पर फेंके, आप फेंकने गए तो बिल्कुल एक्यूरेट उसी एंगल पर क्या फेंक पाते। दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क comes by these athletes who train enormous amount of hours and of course do the science behind it and all of that, but ये सब करना भी उतना ही जरूरी है। स्किल और साइंस दोनों मिले तब देखिए आपके भाले भी बहुत ज्यादा दूर जाएंगे और गोल्ड मेडल हमारे पास आएंगे। So that is the interesting thing of as to why of course when we throw anything, why we throw at 45 degrees for each to go the farthest and why Neeraj threw at 36 degrees and of course कुछ लोग इसमें कहते हैं कोरियोलिस फोर्स भी लग रहा है वो वहां पर नहीं। लेकिन एक और मजेदार बात उत्पन्न हो जाती है, यहां तक तो बात ठीक थी कि भाले को 36 पर फेंका, लेकिन पेरिस गन जो बंदूक होती है वो 45 से ज्यादा फेंकती है। जैसे कि इस तस्वीर में अगर आप देखें, हाँ मैं जाने के पहले वो आपको दिखा देता हूँ कि हमारे साथी नीरज ने जब अपने भाले फेंके या गोले फेंके तो देखिए क्या होता है। ये 0 पर फेंका, 15 पे फेंका, 40 पे फेंका, 45 पे फेंका तो पीछे गिर गया, 60 पे फेंका और 75 पे फेंका, और अब भागते भागते देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर 40 पर आया है पंकज के लिए, और भागते हुए फेंका तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जुड़ गया। एंड ऑफ कोर्स दैट इज द आइडिया। चलिए अब देखते हैं कि भाले को तो हमने फेंकवा दिया, भाला तो हमारा फेंक गया, लेकिन अगर यही काम बंदूक को करना होता तो वो 55 डिग्री पर फेंकती है कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट वॉर की तस्वीर है, ये बंदूक 55 डिग्री पर गोला फेंकती है, इसकी शेल वेट ऑफ कोर्स 160 kg, 130 किलोमीटर दूर गोला फेंकती है और हाइट 40 किलोमीटर दूर है, ऊंची तक गोला जाता है, 3 मिनट तक हवा में रहता है। तो ये गोला 55 पर क्यों जाता है, इसको वो सारी चीजें क्यों नहीं लगती जो नीरज के भाले में लगती हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज लगती है तो वो ये है, ऊंचा इसलिए फेंकते हैं ताकि ज्यादा देर हवा में रहे। 40 किलोमीटर ऊपर जाने पर बिल्कुल हवा खत्म हो जाती है, जैसा कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। यहां पर एट दिस इज वेयर वी आर एट 0, हाइट 0, यहाँ पर 1.2 अगर डेंसिटी है, हाँ, तो वो 40 पे पहुंचकर बिल्कुल खत्म, 0 ऑलमोस्ट हो जाती है। इनफैक्ट जो एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग 10 किलोमीटर, यहाँ पर 0.4 बचती है, 1/3 कहते हैं दैट जोन। तो एवरेस्ट की ऊंचाई 10 किलोमीटर है, वहां पर ही 1/3 हो गई, तो 40 किलोमीटर पर तो बिल्कुल हवा खत्म हो जाएगी, और हवा अगर खत्म हो गई तो आपके गोले में ड्रैग, जो घर्षण है हवा का, जो ड्रैग है वो खत्म हो जाएगा। तो उसकी जो सीधी वाली जो तीज है जो ज्यादा दूर तक लेकर जाती है वो उसको बहुत दूर तक लेती ही चली जाएगी, उसके अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं लगेगा। दैट्स व्हाई व्हेन यू फायर अ बुलेट सो हाई यू विल फाइंड टू यू, मतलब आप चाहेंगे कि बहुत ऊंचा उसको लेकर जाए, बहुत देर तक हवा में रहे, क्योंकि छोटी सी भी उसकी स्पीड बहुत देर तक उसको आगे लेकर चली जाएगी। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी थ्रो प्रोजेक्टाइल्स एट व्हेन वी फायर एट देम एट वेरी हाई रेंज, तब हम बिल्कुल उनको 45 से ऊपर रखते हैं। तो किताब जब 45 कहती है उसके पीछे उनकी कुछ अजम्पशंस हैं कि ग्राउंड से फेंकेंगे, रुके हुए फेंकेंगे, एयर ड्रैग नहीं है एंड धरती घूमने रही है। चारों चीजों को अगर लेते हैं तब ये बात निकल के आती है, वरना ये चारों चीजों को फैक्टर करते हैं तो एंगल्स अलग अलग आते हैं। सो दैट इज व्हाई इमेजिन नाउ रियल लाइफ इज कमिंग इनसाइड आवर करिकुलम। अब ये चर्चा कर लेते हैं कि ये सब तो चीजें हुई, अच्छा हाँ ये तो हो गया, अब ये अपन चर्चा कर लेते हैं कि ये जब ये जो प्रोजेक्टाइल हमने फेंकी तो इसका पाथ क्या था, और इसको समझने के लिए लोगों ने बहुत समय से बहुत जद्दोजहद करी। जब से गन पाउडर का आविष्कार हुआ लगभग 1400-1500 एडी में, जब से आविष्कार, मुझे याद नहीं आ रहा है कब, उसके पहले हुआ हो शायद, लोगों को और आप इन चित्रों में देखेंगे, इनफैक्ट ये चित्र मैं दिखाना भूल गया, ये आपको दिखाता हूं कि जब भी हमने, इनफैक्ट दिस इज वेयर यू कैन सी, ये जो हमारी प्रोजेक्टाइल थी अगर हम वैक्यूम में फेंकते बंदूक के गोले को तो वो 40 किलोमीटर जाती, सॉरी अगर हाँ वैक्यूम में फेंकते तो 40 किलोमीटर जाती, लेकिन क्योंकि हवा में फेंकी तो सिर्फ 4 किलोमीटर पर जाकर रुक गई, क्योंकि हवा का घर्षण इस दिशा में था। एंड दैट इज व्हाई 10 टाइम्स लेस लोगों ने इसी को समझने के लिए बहुत समय पहले, ये 1561 की पिक्चर है जहां पर लोगों ने प्रोजेक्टाइल का पाथ फाइंड करने की कोशिश करी और उन्होंने ये पाया ये बिल्कुल सीधे जाके फिर यहाँ पर उसकी जीरो आई, खट्टे से नीचे गिर गई। ऐसा कुछ लोगों को लगा ऐसा नहीं होता है भाई, यहाँ जाकर ऐसे गिरती है। कुछ लोगों को लगा नहीं 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 सीधी जाती है लेकिन उसके बाद ऐसे गिर जाती है। पर हम यहाँ पर एक बहुत ही रोचक एक्सपेरिमेंट है उसको करके ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्टाइल का पाथ आखिर है क्या और क्यों है, और उस पाथ को हम पैराबोला बोलते हैं। तो उसको समझने के लिए बहुत सरल एक्सपेरिमेंट है। एक डंडी के ऊपर आपको वॉशर्स लटकाने हैं, जैसा कि मैं आपको पहले इस वीडियो में दिखा देता हूं। ये हमने डंडी के ऊपर कुछ वॉशर्स लगाए हैं और ये डंडी फेंकी तो ये सभी उन वॉशर्स को छूकर ये हमारी गेंद जाती है, और इस पाथ को हम पैराबोला बोलते हैं। इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये है। और ये जो हमने वॉशर्स लगाए ये सब बराबर दूरी पर लगाए हैं, दीज आर ऑल, एंड इसको 10-10 सेंटीमीटर की दूरी, ये सब दूरियां सब धागों के बीच में बराबर दूरी 10 सेंटीमीटर की है, लेकिन इनकी लंबाई अलग अलग है। पहला धागा एक और इसको मैं पाथ बता देता हूँ, ये पाथ ऐसे बॉल का जाता है और यही आपका चैलेंज भी आएगा। ये 1 का है, ये 4 है लंबाई, ये 9 है, ये 16 है, ये 25 है, ये 36 होगी, ये 49। इस तरह से आप करते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा क्या कर रहा हूं मैं। और लास्टवा 10वां धागा जो है 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर लंबा है। ये आप देखेंगे कि ये सारे वर्ग में हैं, यानी ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। सो इस दिशा में तो हमारी गेंद, जब हमारी गेंद ऐसे चल रही है इसका मतलब कुछ इस दिशा में चली और कुछ वर्टिकल दिशा में चली, कुछ इस दिशा में चली, कुछ वर्टिकल दिशा में चली, कुछ इस दिशा में चली, कुछ वर्टिकल दिशा में चली। और ये आप पाएंगे कि हर हॉरिजॉन्टल दिशा में तो वो बराबर दूरी ही चलती है, हर बार 10 सेंटीमीटर चलती है, लेकिन वर्टिकल दिशा में स्क्वायर में चलती है। और ये हर इंस्टेंस ऑफ टाइम में लिया हुआ है, इसका मतलब एक्स की दिशा टाइम के जितनी है, टाइम के प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे एक्स बढ़ता है, लेकिन ये इसको एक्स मान लेते हैं। और ये y की दिशा में ये टी स्क्वायर है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके स्क्वायर की दूरी वो तय कर रही है वर्टिकली। दिस इज वेरी फैसिनेटिंग, और इसी को हम पैराबोला बोलते हैं। एक दिशा में आप, और ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी हम वापस से समझ सकते हैं, बट पहले ये समझ लें कि एक दिशा में वो बराबर दूरी तय करती है x की दिशा में, लेकिन y की दिशा में स्क्वायर में तय करती है, इसको ही पैराबोला बोलते हैं। और ऐसा क्यों हुआ इसको भी समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ, मैं इसको चित्र में ये सारी चीजें हटा देता हूं पहले। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने, और यहां पर गैलीलियो का एक बहुत ही सुंदर दूसरा उदाहरण, दूसरा सिद्धांत आता है कि कोई भी, जब हम किसी भी वस्तु को किसी भी डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उसको हम 2 डायरेक्शन में बांट सकते हैं, जैसे मैं पहले बोल रहा था, और हर दिशा को अलग ट्रीट कर सकते हैं। सो ये स्पीड जो हमारी ऐसे 45 डिग्री वर्टिकल में थी, इसको हमने जैसे पहले दिखा रहे थे, कुछ स्पीड इसकी हॉरिजॉन्टल मान सकते हैं, कुछ स्पीड इसकी वर्टिकल मान सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल को अलग देख लें कैसे होता है, वर्टिकल को अलग देख लें, और जो भी प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा इन दोनों स्पीड्स को अलग अलग ट्रीट करके जो भी आंसर आएगा वही होगा, बिल्कुल वही होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि टेढ़ी है, आप ये सोच लें कि कुछ तो इसकी सीधी है, कुछ खड़ी है। तो सीधी के लिए क्या होता है और इसके लिए क्या होता है, दोनों का जोड़ कर दे तो वो उत्तर होगा। और उसको समझने के लिए ये भी कह सकते हैं भाई, इस दिशा में कोई भी बल नहीं है, धरती पर सारा बल नीचे की दिशा में ग्रेविटेशन का लग रहा है। तो इस दिशा में तो जो, जैसा पहला सिद्धांत हमने समझा था कि कोई भी वस्तु पे अगर बल ना लगे तो वो चलती रहती है, तो इस दिशा में जो हमारी बॉल थी चलती ही रहेगी। अगर 1 सेकंड में 1 मीटर चली है तो 2 में 2 चलेगी, 3 में 3 चलेगी, ऐसी चलती रहेगी, क्योंकि इस दिशा में कोई बल ही नहीं है। ऑफ कोर्स हमने ये मान लिया है कि घर्षण बल नहीं है। और इस दिशा में नीचे की तरफ उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि बल लग रहा है। एंड उसकी टाइम ऑफ कोर्स इसीलिए डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी, नीचे ज्यादा खींच रहे हैं तो एक ही टाइम में ज्यादा करेगी। और इसको एक्सेलरेशन और जिस तरह से स्पीड बढ़ती है इसको हम अगले हफ्ते देखेंगे। आज के लिए बस यही समझ लेते हैं कि जैसे जैसे अगर नीचे की तरफ बल लग रहा है तो नीचे की तरफ स्पीड, उसका डिस्टेंस टी टाइम के स्क्वायर वर्ग में बदलता है। और ये आपका चैलेंज भी है, ये आपका पहला चैलेंज है या दूसरा मुझे याद नहीं, बट आप कल्पना करिए, आपको यही, या आप सोचिए आपको यही बनाना है। आपको क्या बनाना है, और ये हाँ आपको यही बनाना है। आपको क्या बनाना है, ये आपका चैलेंज है। आपको डंडी लेकर यहाँ पर धागों में डंडियां घंटियां लगानी हैं, और किस सेंटीमीटर की, इतनी 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98 इस और आप इसमें कोई खास बात नहीं है, ये हमने वर्ग है, आप देखेंगे कि ये वर्ग स्क्वायर नंबर्स के मल्टीपल्स हैं, इस रेशियो में लगानी है। द हाइट और द वाई डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर के प्रोपोर्शनल। इस तरह से अगर आप लगाएंगे, और आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जब आप फिर ये आप डंडियों पर लगाते निश्चित दूरी पर ऑफ कोर्स, और जब आप बॉल फेंकें तो आपको ऐसे फेंकनी कि टन टना टन टन मतलब आप फेंके तो सारी वो जो घंटियां नीचे लगी है वो सारी टन 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 करके बजे। बॉल ऐसे फेंकनी, ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल। आप बहुत तेजी से फेंक देंगे तो वो सीधी चली जाएगी, कोई भी घंटी नहीं टच करेगी। आपको ऐसा फेंकना है कि सारी घंटियां टन टनाती हुई जाएं। और आप ये भी पाएंगे कि अगर आप घंटी को कभी रिकॉर्ड करें तो सारी घंटियां निश्चित अंतराल पर बजेंगी, क्योंकि आपने उनकी दूरी, हॉरिजॉन्टल दूरी बराबर 10 cm या 20 जो भी आप रखना चाहें। अगर आप ज़्यादा दूरी बढ़ाएंगे तो आपको तेजी से गेंद फेंकनी पड़ेगी। ट्राई करिए, इस तरह की गतिविधियां जब स्कूलों में, क्लासों में, घरों में होंगी तब देखिए सैद्धांतिक समझ तो बढ़ेगी, लेकिन जो आंखों की चमक होगी वो भी बढ़ जाएगी। एंड दैट इज द गोल ऑफ 3030 एकलव्य, स्पाइसिंग ऑफ द करिकुलम। सो अब हमने देखा, और इसका एक बहुत सुंदर प्रयोग, एक और बहुत सुंदर प्रयोग है। इससे ये भी पता चलता है कि किसी भी बॉल को या किसी भी वस्तु को अगर हम ड्रॉप कर दें, यानी कि उसको हमने ये स्पीड नहीं दी, सॉरी नीचे वाली स्पीड नहीं, ड्रॉप करना मतलब छोड़ दिया, तो नीचे की दिशा में स्पीड नहीं दी, या उसको सीधे फेंक दें जोर से। और इसको मैं इसमें बना के दिखाऊं तो शायद बेहतर समझ आए। किसी भी ये बना के दिखा देता हूँ, डिलीट। और हाँ, तो किसी भी वस्तु को अगर हम सीधे खाली ड्रॉप कर दें तो जीरो स्पीड है, और इस दिशा में फेंक दें तो भी नीचे वाली स्पीड जीरो है ना। तो दैट इज द आइडिया। इमेजिन यू आर ड्रॉपिंग समथिंग दैट इज वर्टिकल स्पीड जीरो, यू आर फ्लिकिंग समथिंग लाइक दिस स्ट्रेट, जैसे कैरम में मारते हैं ना सीधा, तो भी। तो अगर ऐसा करेंगे तो दोनों चीज सेम टाइम पर ही गिरेंगी धरती पर, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगी। बड़ा सुंदर रोचक वीडियो है ये, देखिए। और इसमें हमने क्या करा है, एक स्केल मैं पहले वीडियो चला देता हूं, यहां पर देखिए बड़ा सुंदर है। एक स्केल से हमने कुछ सिक्कों को फेंक दिया, ये वाला, ये आई थिंक ये वाला चलाते हैं। एक स्केल से सिक्कों को फेंक दिया, दोबारा से चलाते हैं, तो आप ये पाएंगे कि हर एट, और ये इस चित्र में भी समझ आता है, यहाँ पर हमने एक स्केल रखा था, और ये दिखाएंगे कि अच्छा हाँ मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक टेबल पर एक स्केल रखा था और यहाँ पर अलग अलग सिक्के रखे थे। अब जब आप स्केल को इधर से, यहाँ पर ये स्केल जॉइंट है, जब सिक्कों को ऐसे स्केल को घुमाएंगे तो ये सिक्का बहुत ज़्यादा तेज जाएगा, ये कम तेज जाएगा, ये कम तेज जाएगा, और ये सबसे कम तेज जाएगा। तो ये वाला सिक्का देखिए, इसका पाथ ये आ रहा है, इसका पाथ ये आ रहा है, इसका पाथ, तीसरे का ये, चौथे का ये, पाँचवें का ये, लेकिन सब ये वाली दूरी बराबर ही है। इस लाइन पर सब लोग एक ही टाइम पर बराबर वर्टिकल दूरी तय करते हैं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, किसी ने बॉल ड्रॉप करी या जोर से फ्लिक मारा, सब एक साथ ही तीनों गिरती हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट amazing things, that is what comes out of this theory, where and this is the most amazing thing that Galileo also propounded। क्या कहा उन्होंने कि किसी भी स्पीड को, और इनफैक्ट मुझे इसलिए भी आश्चर्य होता है और इसलिए मुझे लगता है कॉन्टेस्ट बताना जरूरी है। आई थिंक मैंने पसीने काफी आ रहे हैं, पंखा नहीं चलाया हुआ है, पंखा चलाने से साउंड में गड़बड़ाती है। तो बड़ी मजेदार चीज गैलीलियो ने बताई थी कि किसी भी और इसी यहीं पर मुझे लगता है कल्पना की शक्ति की उड़ान की जरूरत है, और क्योंकि वो सबसे जरूरी है विज्ञान के लिए। जो एप्पल है, जो न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, वो तो बहुत लोगों ने देखा, और उसको देखकर ग्रेविटी बता देना इज नॉट समथिंग दैट इज द लीप ऑफ साइंटिफिक इमेजिनेशन। नो, वो तो बहुत लोगों ने देखा। कोई भी चीज, अगर इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि वो नारियल के पेड़ के नीचे बैठा था। अगर नारियल के पेड़ के नीचे बैठता तो कुछ गड़बड़ हो जाती, बट द पॉइंट इज कि अगर वो एप्पल गिरा तो वो नीचे गिरेगा। कोई भी चीज नीचे गिरती है, इसमें क्या बड़ी बात है। द लीप ऑफ इमेजिनेशन इज व्हेन ही सेड दैट द सेम फोर्स दैट पुल्स द एप्पल टुवर्ड्स द अर्थ is the same force that make moon go around ये देखिए बहुत बढ़िया, फिजिक्स विद न्यूटन, फिजिक्स विदाउट न्यूटन, बढ़िया चित्र डाल दिया है। सोचिए अगर इसमें कोकोनट मोटा होता या पतला होता तो क्या हो जाता। अगर इस तरह की अगर कोकोनट होता तो वापस से चित्र डाल दीजिए, बढ़िया है ये चित्र, अच्छा है, डाल दीजिए। तो हमारी किताबें कितनी पतली हो जाती, न्यूटन नहीं होते तो किताब, फिजिक्स किताब पतली हो जाती। नहीं, ऑफ कोर्स इट्स अ जोक, न्यूटन नहीं होता तो कोई और करता है। इनफैक्ट वी विल सी लॉट ऑफ थिंग्स दैट न्यूटन डिड, उसके पीछे कितने ही सैकड़ों जायंट्स का हाथ था, कितने ही कॉपरनिकस जैसे। और मैं वो चित्र आपको दिखा दूं, वो लास्ट में मैं दिखाने वाला था पर अभी दिखा देता हूं। If I have seen further than the others, it is by sitting on the shoulders of some of the giants. Basically, what he is trying to say, क्या कहना चाहते हैं कि क्यों न्यूटन के कारण ही नहीं फिजिक्स की इतनी सारी चीजें हो गई। वो तो बहुत लोगों ने, न्यूटन इतनी सारी बातें इसलिए कह पाए क्योंकि उनके पहले गैलीलियो, कॉपरनिकस, एरिस्टोटल टू सम एक्सटेंड एंड many people before him made absolutely amazing, astounding theories, and based on those theories and prophecies and things like that, he could build upon certain things. He could have that leap of imagination because of the work that was done by others before him. और वो सबसे जरूरी थी जो इमेजिनेशन थी, जो न्यूटन ने ये बताया, जो मैं कहाँ पर था, वापस से जाना पड़ेगा, जो गैलीलियो ने ये कहा था कि किसी भी स्पीड को हम ब्रेक कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली उसको पढ़ सकते हैं। तो आप दो भाग में नहीं, 3, 4, 5 जैसे मर्जी आप 3D में करना चाहते हैं, XYZ, एक किसी भी स्पीड को 3 भागों में बांट लीजिए, उसी के अराउंड उसके फोर्सेस देख लीजिए और उसका जो आंसर तीनों को इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर लीजिए, और जो रिजल्ट आएगा, जो पाथ आएगा वो वही होगा जो इंडिपेंडेंटली आपने एनालाइज करा, उसका जो मिश्रण होगा वो उसका पाथ होगा। दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल थ्योरी, which is what Galileo came up with, and we use it every day but never realize somebody, the name of somebody or whoever who was responsible. So ये इसको हम पैराबोला बोलते हैं। कोई भी चीज फेंकें, खुद भी हवा में फेंक जाएं तो भी यही होगा। इनफैक्ट मैं सोच रहा था ये आपको दिखाता हूं, रात में घूमती हुई कोई लट्टू भी अगर जलाएंगे इस तरह से दिखाई देती है। ये वस्तु है, गोल घूमती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आप देखिए बीच की लाइट जो है वो एक पैराबोला में ही जाएगी। ये इस तरह से पैराबोला में ही बीच की लाइट जाएगी। इसके ऊपर हम अगली बार ऑफ कोर्स और चर्चा करेंगे। दिस इज व्हाट द पाथ ऑफ एनीथिंग दैट इज गोइंग इन द ऑब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज देयर इज ओनली वन फोर्स व्हेन यू आर इन एयर, इट इज इन दिस डायरेक्शन, नीचे की दिशा में। इस दिशा में नो फोर्स, तो इसलिए चलती रहेगी यूनिफॉर्म मोशन, सीधी लाइन में ही चलती रहेगी, इसलिए ये डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस बराबर हैं क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, यानी स्पीड कांस्टेंट है, यानी बराबर अंतराल में बराबर दूरी। लेकिन ये वाली दूरी कमती बढ़ती हो रही है क्योंकि इस दिशा में बल लग रहा है। ये बात सबसे जरूरी है। ये जो पैराबोला है इसमें एक दिशा में तो यूनिफॉर्म है, सीधी लाइन, नो फोर्स, लेकिन एक दिशा में बढ़ती है, घटती है, स्पीड घटती बढ़ती रहती है। दैट इज द मोस्ट अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट अ पैराबोला और अबाउट प्रोजेक्टाइल, क्योंकि कुछ भी कहे प्रोजेक्टाइल जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय करेगी, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा। चाहे वो धोनी का छक्का हो, चाहे मेरा छक्का हो, चाहे विराट का छक्का हो, एक सेकंड में उतनी ही दूरी गिरेगी, दूसरे सेकंड में उतनी ही दूरी गिरेगी, किसी का भी छक्का हो, इट डजेंट रियली मैटर, किसी भी एंगल पर डालें, क्योंकि जब जीरो, उसकी वर्टिकल स्पीड जहां पर जीरो है सबसे ऊपर, वहां से गिरेगी तो पहले सेकंड में 5 मीटर ही गिरेगी, गारंटी है। दूसरे में 15 + 5 20 ही गिरेगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। दूसरे सेकंड में 15 गिरेगी, मतलब टोटल मिला के 20 गिरेगी, किसी का भी छक्का लगाओ, क्योंकि इस दिशा में सबसे, सिर्फ इस दिशा में फोर्स है, इस दिशा में नहीं, तो इसलिए किसी के छक्के दूर जा सकते हैं लेकिन वर्टिकल कांस्टेंट है। दैट इज व्हाट गैलीलियो गिव टू अस, एंड इट इज नॉट जस्ट दैट, गैलीलियो डिड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू, और बड़ी सुंदर उन्होंने अपनी 3 किताबों में लिखकर बताया, ये सारी चीजें बताई। और उनकी ये जो बढ़िया किताबें हैं, एक तो उन्होंने जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक, या इसको अर्थ सेंट्रिक या सन सेंट्रिक मॉडल्स भी बोल सकते हैं, और इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। जब गैलीलियो ने यह कहा कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती, धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, उसके पहले लोग यही बोल रहे थे कि धरती घूम कैसे सकती है, धरती इतनी, इनफैक्ट गैलीलियो ने, छोड़िए आप सोच सकते हैं कितनी बार लोगों ने यह सवाल पूछा कि भाई धरती घूमती है क्या, धरती कैसे घूमेगी, धरती सूरज के चारों ओर कितनी भारी है, हल्की सी चीज हिलाने के लिए तो इतना दम लगता है, सर धरती इतनी भारी, इसको कैसे हिलाएं, और घूमती है तो रुकती क्यों नहीं है, रुक जानी चाहिए, कोई उसको कौन घुमाता रहता है। और अगर घूम रही इतनी तेज तो पीछे रह जाएंगे कुछ लोग, भाई आगे चले जाएंगे, और आपको पता क्यों नहीं चलता है। बहुत सारे सवाल थे। गैलीलियो ने यह कहा कि हाँ धरती घूमती रहती है और हमको पता नहीं चलता है। ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन एंड दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। अगर स्पीड कांस्टेंट हो, सीधी लाइन में हो, तो आप बता नहीं सकते, जैसे मैं पहले कह रहा था, हवाई जहाज में बैठे हो बता नहीं सकते। इनफैक्ट द मोस्ट एस्टाउंडिंग थ्योरी इज दैट if everything is constant, I cannot tell whether you are moving or I am moving if we are both moving at a constant speed. अगर speed constant है तो हम ये नहीं बता पाएंगे आप चल रहे हैं हम चल रहे हैं, ये कैसे, और कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स बाहर की कुछ और चीज देखकर बता सकते हैं। उसी तरह से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, दैट एंड दिस इज व्हाट गैलीलियो सेड कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। और लोगों को ये बात पसंद नहीं आई तो उसको जेल, मतलब घर बंदी जो बोलते हैं ना, घर में बंद कर दिया गया। और बहुत दिन तक उसको, उनको घर बंदी को क्या बोलते हैं, लॉक अंग्रेजी में जो भी बोलते हैं, घर में बंद कर दिया गया स्टेट और गवर्नमेंट के कारण। और इसके कारण कुछ समय बाद उनकी मौत भी हो गई। एंड सो इमेजिन with this beautiful bold scientific theory somebody had to in fact lose their life. I mean Galileo, this is the most amazing contribution that Galileo did. उनकी बड़ी सुंदर किताबें हैं, जुपिटर के मून देखे, ये सारी चीजें देखी। और इनके बेसिस पर न्यूटन की लॉ, न्यूटन अपनी लॉज को प्रोपाउंड कर पाए। सो आई थिंक वी विल हैव टू एब्सोल्युटली रिमेंबर दिस लीप ऑफ इमेजिनेशन दैट गैलीलियो डिड बाय दैट एक्सपेरिमेंट कि जीरो पर चलेगी तो इनफाइनाइटली चलती रहेगी, इसलिए किसी भी वस्तु को अगर वो चल रही है तो फोर्स की जरूरत नहीं है, रोकने के लिए फोर्स की जरूरत है, चलाने के लिए फोर्स की जरूरत है, रोकने के लिए फोर्स की जरूरत है, और दिशा बदलने के लिए फोर्स की जरूरत है, लेकिन चलती हुई है तो उसके लिए फोर्स की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट दैट इज, आई मीन दीज आर फोर मोस्ट बेसिक थिंग्स अबाउट फर्स्ट लॉ। और इसको, अगर कोई भी वस्तु रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, इसको देखने के लिए बड़ा सुंदर एक प्रयोग करा था हमारे साथी ने, मैं आपको उसकी चित्र दिखा देता हूँ किस तरह से ये। और आप ये सब घर पे नहीं करिएगा, या ये अगर करें तो मम्मी की परमिशन से। और कांच की बोतल बिल्कुल ना हो, सिर्फ लकड़ी के या स्टील के गिलास हो। ये देखिए, तो और वो इसलिए तपस भाई हमारे वो कागज को, वो अपने टेबल क्लॉथ को खींच पाए क्योंकि ऊपर जो चीजें रखी थी वो रुकी हुई थी, वो रुकना ही चाहती थी। और जब इन्होंने बहुत फोर्स लगाकर उसको खींचा तो उसका इतना ज्यादा फोर्स, इतना एक्सेलरेशन था जो कि उसके फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा था। इसको अगली बार और क्लासेस समझेंगे। बट इट वॉज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लॉथ वॉज मोर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, सो इट केम आउट। अगर धीरे से खींचते तो वो साथ में आ जाती, बिकॉज धीरे से खींचने पर कम बल लगता और वो कम बल उसके फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं होता, इसलिए चली गई। और सुंदर प्रयोग ये भी कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास ये आलू है और अब इसको समझने के लिए बिल्कुल बढ़िया चीजें कर सकते हैं। ये आलू है और इसको दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है। अब ये आलू हमने नीचे की तरफ रख दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, ऊपर से इसको मारते हैं तो क्या होता है, बिना छुए आलू ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट लाइक ये नीचे जा रही है, आलू अपनी जगह रहना चाहता है और ये नीचे। अब इसको ऊपर से नीचे ले जाना हो तो क्या कर सकते हैं, बिना आलू को छुए क्या करेंगे, इसको ऊपर से उठाकर नीचे पीटना चालू कर दिया, ये अपने आप नीचे चले गया। आपको बहुत खड़खड़ सुनाई दी होगी, बट द होल पॉइंट इज जब ये नीचे जा रहा था, आलू की स्पीड थी लेकिन बॉल रुक गई, आलू नीचे ही चलता रह गया। एंड दिस इज एग्जैक्टली एंड मे बी वी विल टेक यू दिस टू दिस क्वेश्चन विच इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन दैट लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग गैलीलियो कि जब धरती, जब कोई भी चीज घूमती है तो जैसे धरती पर आपने कुछ फेंका तो धरती पर अगर आप बैठे हैं तो आप आगे क्यों नहीं चले जाते, आपको फील क्यों नहीं होता ये सब चलता हुआ। या आप गाड़ी, किसी गाड़ी में चल रहे हैं और पानी पीते हैं तो आपके ऊपर क्यों नहीं गिर जाता पानी, क्योंकि आप तो आगे चले जाएंगे। या बॉल उछालेंगे तो आप आगे चले जाएंगे, बॉल पीछे गिर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर गैलीलियो ने अपना सुंदर सिद्धांत बताया और जिसको आप बड़ी खूबसूरती से इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप चलते हैं तो आपके साथ वो बॉल जो है वो भी चलती है। जैसे ही वो हवा में गई, वो अपनी गति को, उस इनर्शिया को जो वर्ड है, उस वेलोसिटी को, उस स्पीड को छोड़ नहीं देती हाथ में। वो आप जैसे ही आपने उसमें हवा में फेंका वो उसी दिशा में, उतनी दिशा में चलती रहती है। आप भी चल रहे हैं, वो भी चल रही है, तो इसीलिए वो आपके हाथ में ही गिरेगी। और इसलिए ये एक सवाल भी है, समय थोड़ा कम है तो मैं सवाल स्किप कर दूंगा, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सोच सकते हैं कि आप कल्पना करिए कि आप जैसे भोपाल में हैं, और मैं उसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। ये तस्वीर में देखकर ये कर सकते हैं। आप मान लीजिए भोपाल में हैं, बिल्कुल बीच में है, और आपको हमने हेलीकॉप्टर से उठाकर हवा में भेज दिया और हमारी धरती ऐसे जा रही है, ऐसे चलती है, ठीक है, और आप हवा में चलते रहे, तो इसका मतलब क्या है, आप हेलीकॉप्टर में ऊपर चले गए, थोड़ी देर में धरती घूम जाएगी। इनफैक्ट आधा घंटा लगता है। आप चेक कर सकते हैं अहमदाबाद से भोपाल और भोपाल से कलकत्ता, किसको, सूर्य देवता को, टू सन, फॉर सन टू कम फ्रॉम यू नो, एंड इनफैक्ट सन इज नॉट मूविंग, विच मीन्स for earth to spin from Calcutta to Bhopal to Ahmedabad right before the sun, it takes 30 minutes. यानी कलकत्ता से अहमदाबाद जाने में 1 घंटा लगता है। तो सबसे सरल तरीका यही है कि हेलीकॉप्टर में ऊपर उड़ जाएं, नीचे धरती घूमती रहेगी, नीचे उतर जाएं, कलकत्ता से अहमदाबाद, ले भाई बहुत बढ़िया, किसी ने हमें ऊपर जोर की छलांग लगा दी, लात मार दी, ऊपर गए, नीचे धरती घूम गई, कलकत्ता से अहमदाबाद आ गए। उल्टा नहीं जा सकते बाय द वे, क्योंकि फिर उसका धरती को उल्टा घुमाना पड़ेगा। एंड इंटरेस्टिंगली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप जब ऊपर गए, हेलीकॉप्टर ऊपर गया, तो जो धरती की स्पीड थी वो लेकर ही ऊपर गया, तो वो भी उसी स्पीड से घूम रहा है जिस स्पीड से धरती घूम रही है, तो नीचे आएगा तो वहीं आएगा जहां आप हैं, कुछ नहीं होगा। एंड इसीलिए जब यही चीज को इस्तेमाल करके जब लोग हम लोग जब रॉकेट हवा में फेंकते हैं, तो इसीलिए सबसे इक्वेटर के सबसे नजदीक हम रॉकेट इक्वेटर से फेंकते हैं, क्योंकि इक्वेटर पर धरती की स्पीड सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा दूर तक, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे घूमकर यहाँ पर जाएगा। इक्वेटर से फेंकते हैं और वेस्ट टू ईस्ट फेंकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट नहीं फेंकते अपने गोलों को। क्यों? क्योंकि जिस दिशा में धरती घूम रही है उसी दिशा में अगर हम रॉकेट को फेंकेंगे तो वो धरती की गति लेकर जाएगा। इसलिए we could have sent our rockets west to east also, but we don't do that. We do, I'm sorry, east to west, but we do west to east because धरती की जो घूमने की धुरी है वो भी इसी तरह से है, तो ऐसे ही फेंकेंगे। और इसीलिए अगर आप हेलीकॉप्टर में बैठे, और ये समझने के लिए बड़ा सुंदर ये हमने एक प्रयोग ये मैं आपको दिखा देता हूँ समझने के लिए। दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको समझने के लिए बड़ा सुंदर वीडियो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और ये समझने के लिए क्या करना है, एक साधारण मतलब आप किसी भी स्कूटर पर बैठ जाएं, अपने हाथ में बॉल लें और उस बॉल को उछालेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास ही बॉल आएगी। बॉल जैसे ही हवा में गई, आप आगे क्यों नहीं निकल गए? बॉल अगर वर्टिकली उछालेंगे तो आपके पास ही आएगी। ये देख सकते हैं बिल्कुल इस वीडियो में बिल्कुल साफ। और सॉरी, इसको फिर से चला देता हूँ। ये देखिए, बॉल अगर छोड़ी तो आपके साथ ही साथ गिरेगी, और ये पाथ जो है बिल्कुल प्रोजेक्टाइल जैसा पाथ है। ठीक है, अगला कर देते हैं। चलिए, लिखूंगा नहीं, लिखने से फिर रुक जाता है। और दूसरी चीज आप देखिएगा, अगर पंकज के पास कैमरा है तो ऐसे लगेगा कि बॉल बिल्कुल वर्टिकली गिर रही है, कोई पैराबोला नहीं है, क्योंकि अब पंकज के पास कैमरा है और पंकज ने अब बॉल अपनी बिल्कुल वर्टिकली फेंकी, तो पंकज को तो लग रहा है बॉल वर्टिकल है, पर हमेशा बॉल पंकज के सर के ऊपर है, लेकिन बॉल वापस से पंकज के हाथ में ही गई। तो आप ये देखिए, जहां जहां पंकज था बॉल वहीं पर थी। एवरीवेयर द बॉल वाज राइट एंड यू नो ओवर पंकज, एंड उसके हाथ में ही गिरी। एंड दैट ब्रिंग्स टू अस द नेक्स्ट चैलेंज विच इज दिस। तो इसका मतलब अगर हम चाहें कि बाहर से खड़े हुए हम ऐसे बॉल डालें ताकि वो पैराबोला में ना जाए, सीधी जाए, तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सुंदर है, ये देख सकते हैं 2 मिनट में आईपैड में जाकर। चलिए, बिल्कुल सीधी गिरी। जब ये चल रही थी तो ये हमारे स्कूटर की स्पीड थी और ये हमारी बॉल की स्पीड थी। अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगी तो नेट स्पीड बॉल की 0 हो जाएगी और बॉल वर्टिकल ही गिरेगी। और यही आपका दूसरा चैलेंज है। आपको वीडियो बना कर हमें भेजने हैं। आपको ऐसे बॉल फेंकनी है चलते हुए, नीचे जमीन पर गोला बना लीजिए। आपको ऐसे बॉल फेंकनी है कि वो बॉल उस गोले में गिरे और वहीं पर टप्पे खाती रहे, गोले के बाहर ना जाए। जस्ट लाइक वी जस्ट शोड यू इन दिस वीडियो, बिल्कुल सीधी गिरे, और सीधे गिरेगी तो उसी में टप्पे खाएगी। आपको ऐसा ये चैलेंज करके दिखाना है। सो आई थिंक वी आर right over, you know, just right there, and I think we will. This is the third challenge. In fact, if you want to see this beautiful challenge, और आपको ये अगली बार कर सकते हैं, ये वाला अगला वाला challenge बाद में करेंगे। सो ये सुंदर खेल है। मैं ये खेल दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको लगे कि सुंदर चीज़ खेल सकते हैं। आपको करना क्या है ये खेल दिखाने के लिए मैं आपको आईपैड में ले जाता हूँ। ये पंकज खड़े हैं, ये हमारे साथी हैं और आपको ऐसे गेंद घुमा घुमा कर फेंकनी है ताकि इनके पास ही आए। देखिए बड़ा सुंदर है, करके देखिए क्या होता है। अरे ये मैं हटा देता हूँ इसको। हाँ अब चल गया। चलिए कहीं और गिर गई, कहीं और गिर गई। आपको ऐसे फेंकना है कि उनके हाथ में ही जाए, दिनेश के हाथ में ही। कहाँ पर फेंकें? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिस इज द चैलेंज दैट यू हैव टू डू एंड यू सी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। जिस पॉइंट पर बॉल छूटी बिल्कुल टेंजेंशियली उसी दिशा में सीधी चलती चली गई, वो दिशा नहीं बदली। वो बदलने के लिए कुछ और करना पड़ेगा और उससे जुड़ा हुआ बड़ा सुंदर, एक समय कम है इसलिए अगली बार करेंगे, बट आज के लिए बस इतना ही। एंड अगले हफ्ते हम क्या करेंगे मैं आपको उसकी 2 मिनट में झलक भी दिखाना चाहूँगा। अगले हफ्ते हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे। एक्शन, रिएक्शन एंड फोर्सेस। बंदूक चलाई, पीछे चली गई, लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं? और a lot of that, lot of those things. These are the 3 challenges of which ये वाला भी ये वाला चैलेंज था आपके लिए कि आपको ऐसे लटकाने हैं 2, 8 और 149 के डबल पर। 1, 4, 9, 16 को डबल कर लें। 2, 8, 18, 32 ऐसे। और आपको ऐसे बॉल ड्रॉप करनी है ताकि गोले में ही गिरे चलती हुई गाड़ी से। एंड ये अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। गाड़ी में बैठे हुए या स्कूटर में बैठे हुए आप एक पेंडुलम अपने हाथ में रख लें, यानी एक बॉल, एक धागा और उस पर बॉल, और ऐसे गाड़ी चलाएं। एंड इनफैक्ट if somebody कैन डू दैट विल बी ग्रेट। ऐसे गाड़ी चलाएं कि वो पेंडुलम बिल्कुल सीधे का सीधा लटका रहे, बिल्कुल ना हिले, नो मूवमेंट एट ऑल। कर सकते हैं क्या? शुरुआत से, मतलब 0 से गाड़ी आपकी चलनी चाहिए। कर सकते हैं क्या? साइंटिफिकली पॉसिबल है कि नहीं, या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आप हमें बताइएगा, वीडियो ज़रूर भेजिएगा। और मैं जानता हूँ कि आज हमारे कुछ साथी लोग आईपीएल भी देख रहे होंगे, या मुझे किसी ने बताया था कि आईपीएल चल रहा है। एंड सो आई होप you join us much in much larger numbers. Please do join. Please tell your friends to come and join for 3030 Eklavya, where the goal is to bring back that gleam in the eyes and देखने का नजरिया बदल जाए. We do so that we can look at education a very different light. We just don't look at numbers. मज़ा आना चालू हो जाए आसपास की चीज़ों को जोड़कर, अपने गणित को, अपने विज्ञान को, अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए इन सब चीज़ों को किस तरह से पाठ्यक्रम में जोड़ पाएँ। ये 3030 एकलव्य की एक छोटी सी पहल CBSE के साथ है। आप सभी का बहुत आभार और धन्यवाद। जैसे कि मैं कह रहा था, इस एपिसोड को देखने के लिए अगर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट चाहिए या कंप्लीशन सर्टिफिकेट, प्लीज़ डू रजिस्टर, प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड पार्टिसिपेशन तब माना जाएगा जब आप पार्टिसिपेशन के लिए वो जो नीचे अभी तुरंत ही यूट्यूब के नीचे एक होमवर्क का लिंक आ जाएगा छोटा सा, उस लिंक पर अगर तो आप आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जाकर यूट्यूब पर जाकर होमवर्क सबमिट करें। सबमिट ही करना ज़रूरी है, अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। सही उत्तर है कि नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो यूट्यूब के गूगल डॉक पर, वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, या यूट्यूब के नीचे लिंक गूगल डॉक है जिसमें होमवर्क लिखा होगा, उसको क्लिक करेंगे, उसमें अपना ईमेल वगैरह भरेंगे, उसमें सबमिट दबाएंगे तो आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, 1 घंटे की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा यदि आपने सर्टिफिकेट के लिए ऑप्ट करा है। और वही प्रोग्राम की अटेंडेंस भी है। होमवर्क पर क्लिक करके सबमिट दबाना वही प्रोग्राम की अटेंडेंस है। वो अटेंडेंस मानी जाएगी, तभी हमको नहीं पता चलेगा कि आपने आईपीएल देखा कि ये प्रोग्राम देखा। उसको देखने के लिए आपको वो दबाना पड़ेगा। आशा है आपको, और यही मेरी उम्मीद है, इनफैक्ट बहुत सारी विज्ञान कर ली, मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी तरह से अगर हमने आपकी रुचि इन चीज़ों में जगा दी, दैट इज़ द गोल। ऐसा हो सकता है कि बॉलीवुड और क्रिकेट जितनी ही ये चीज़ें भी इंटरेस्टिंग है, हमें तो लगती हैं। पिछले 4 साल से जो हम IIT गांधीनगर में ये लैब में काम कर रहे हैं, एवरी सिंगल डे इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल 14 ऑफ अस। एंड इमेजिन आई थिंक द सेम कैन बी डन विद फॉर एवरीबडी एल्स। एंड सो प्लीज डू कम एंड जॉइन एंड कम एंड जॉइन एंड सब्सक्राइब एंड ऑल ऑफ दैट। सो थैंक यू वेरी मच, thank you very much, and we will see you next week where we are going to talk about force, action, reaction. बंदूक की गोली तो नहीं चलाएंगे। एक साधारण बहुत सुंदर खेल है, बहुत सुंदर खेल तपस्वी ने बनाया है। नीचे से प्रेशराइज्ड हवा के पंप से दबा दिया, कुछ करेंगे और देखिए क्या मजेदार चीज होगी, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। स्ट्रॉ जरूर लाइएगा अगले हफ्ते। और ये तो तीन चैलेंज थे आपके, ये मैं वो अगर आपको एक सेकंड में दिखा देता हूँ, 3 चैलेंज थे, वो चैलेंज करना मत भूलिएगा। 3 चैलेंज कौन से थे? ये थे आपके तीनों चैलेंज। प्रोजेक्टाइल का चैलेंज, बॉल को गोले में डालने का चैलेंज और पेंडुलम खड़ा रहे उसका चैलेंज। एंड इफ यू वांट प्लीज डू सेंड अस, दिस इज आवर वेबसाइट, दिस इज द ईमेल। अगर कुछ भी सवाल हो तो इस ईमेल पर भेजिए। ये हमारा चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू वेरी मच एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। ये पानी की बोतल के अंदर हवा के बबल के साथ गतिविधि कर सकते हैं। उसमें हमें आवाज ऐसा लगता है कि वो अपने आप को रेगुलर और उनसे रिलेटेड सवालों के लिए देखें 3030 एकलव्य। सही तो पूरा। इसके लिए मुझे यहाँ लाइट बंद करनी पड़ेगी।